हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने एक ये क्वेश्चन करवाया था 792। इसका जो आंसर है वो बताया था आरबीसी, बट इसका आंसर है प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ये सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, ना कि सेल होते हैं। तो ये ऑप्शन सही कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट स्टार्ट विद नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, एट द टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस फ्रॉग्स टैडपोल फीड्स ऑन। मेटामॉर्फोसिस के टाइम फ्रॉग का टैडपोल किसके ऊपर फीड करता है? वो किसी उस टाइम फीडिंग ही नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग्स टैडपोल ब्रीथ थ्रू। फ्रॉग का टैडपोल ब्रीथ करता है किसके थ्रू? गिल्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। जो इसमें से सी है वो करेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो थाइमस है वो कौन से लेयर से बनता है? एंडोडर्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग क्लीवेज। क्लीवेज के दौरान न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इज। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं मेटामॉर्फोसिस टाइम? पहले क्या होता है? टेल डिसअपीयर होती है, उसके बाद अपीयर होते हैं क्या? अपीयरेंस ऑफ हिंड लिम्ब्स, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ फोर लिम्ब्स बर्ड, उसके बाद क्या होते हैं? डिसअपीयरेंस ऑफ गिल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूली हैज टैडपोल हैज। न्यूली हैज टैडपोल हैज में क्या होता है? टैडपोल में क्या होते हैं? सकर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इज। जो टैडपोल होता है वो क्या होता है? अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ योक इन द एग चेंज। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न योक का चेंज हो जाए तो ये किस कौन से इवेंट को अफेक्ट करेगा? ये करेगा अफेक्ट क्लीवेज को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन टैडपोल ऑफ लार्वा। लार्वा में क्या प्रेजेंट नहीं होता? मीजोनेफ्रिक किडनी, ये लार्वा में प्रेजेंट नहीं होती। बाकी होर्ने जो सीलिएटेड पिगमेंटेड एपिडर्मिस लेटरल लाइन सिस्टम, ये सारी चीज़ क्या होती है? प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ हर्डमानिया इज। हर्डमानिया की एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्या बोलते हैं? टैडपोल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैडपोल रिजेंबल्स फिश इन मैनी फीचर्स एक्सेप्ट। टैडपोल फिश को रिजेंबल करते हैं इन सारे फीचर्स में, को में से किसको नहीं करता? मतलब गिल स्लिट्स में करते हैं, टू चैम्बर हार्ट होता है टैडपोल में, लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स होते हैं, बट जो टैडपोल होता है उसके अंदर पेयर्ड फिन्स नहीं होते। ये किसके अंदर होते हैं? फिश में, तो ये चीज़ नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रॉग टैडपोल रिमेन्स इन इट्स लार्वल स्टेज इट इज़ स्टिल नॉट कंसिडर अंडर पीसीज। अगर वो लार्वल स्टेज में है तो भी टैडपोल को पीसीज के अंदर कंसिडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर स्केल्स है वो एब्सेंट होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल लाइन ऑर्गन इन टैडपोल आर सेंसिटिव टू। लेटरल लाइन ऑर्गन होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? परसीविंग स्टिमुलाई ऑफ मूवमेंट एंड वाइब्रेशन इन वाटर करंट। परसीव करते हैं क्या हम स्टिमुलाई किसके लिए? मूवमेंट एंड वाइब्रेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योक प्लग फॉर्मेशन इन फ्रॉग ओकर्स ड्यूरिंग। योक प्लग फॉर्मेशन कौन कब होती है? गैस्ट्रुलर स्टेज में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्लीवेज इन फ्रॉग इज। थर्ड क्लीवेज क्या होता है? फ्रॉग का होरिजेंटल होता है अबोव इक्वेटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेट मेक्स इट्स अपीयरेंस इन द चिक। चिक में सबसे पहले एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सी आती है? वो होती है योक सैक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्लिकल कॉर्ड इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ। एम्ब्लियोलिक कॉर्ड किससे बनती है? योक स्टॉक प्लस एलेंटोइक स्टॉक से बनती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब में से सही कौन से? वो है एलेंटोइस किससे बनती है? एंडोडर्म से। इनर लेयर कौन से होते हैं? एंडोडर्म। और आउटर लेयर कौन से होते हैं? स्प्लैंचिक मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑर्गन इज। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑर्गन कौन सा है? वो होते हैं कोरियन और एलेंटोइस, दोनों क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो ऑफ मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय। एम्ब्रियो होता है मेम्ब्रेन का, वो किससे प्रोटेक्ट होता है? वो होता है एमनियन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमनियन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम। ये एमनियन होता है वो किससे प्रोटेक्ट करता है? डेसिकेशन, मतलब उसको ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर एब्सेंट इन एम्ब्रियो ऑफ। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है किसमें? फिशिज में, ऑप्शन नंबर ए। फिश में क्या नहीं मिलती? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरियन एक्ट्स एज एम्ब्रियोनिक। कोरियन एक्ट एज करता है एम्ब्रियोनिक, मतलब किसके थ्रू एक्ट करता है? वो कहता है लंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन सी इनमें से मेम्ब्रेन है जो वेस्टिजियल है, जिसका कोई फंक्शन नहीं हुआ है? योक सैक और एलेंटोइस, सिर्फ कोरियन का फंक्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इज करेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी करेक्टरिस्टिक है वो, एविस रेप्टाइल मैमल्स, इनके अंदर क्या मिलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द कैटेगरी इन विच ऑल टिश्यू लेयर ऑफ फिटस एंड मदर आर इंटैक्ट, वो कौन सी कैटेगरी होती है, एपिथीलियो कोरियल, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बांदीकूट प्लेसेंटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम, प्लेसेंटा किसे ड्राइव होती है, एलेंटोइस, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली, प्लेसेंटा फॉर्मेशन किसकी करेक्टरिस्टिक है, यूथेरियंस की, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द हार्मोन नॉट सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करती, वो है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पुट फॉरवर्ड रिकैप्टिवेशन थ्योरी किसने दी थी, वॉन बेर, ऑप्शन नंबर ए. ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, ये दी थी बायोजेनेटिक लॉ में, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द विलाय इन द प्लेसेंटा फॉर्म अ टाइप ऑफ ग्रिडल अराउंड ब्लास्टोसिस्ट इज नेम्ड एज जूनेरी, अगर प्लेसेंटा है वो एक टाइप का ग्रिडल बनाती है किसके अराउंड, ब्लास्टोसिस्ट के अराउंड, उसको क्या नाम देते हैं, जूनेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉडी स्टोर फूड बिफोर द लीवर ऑफ फिटस बिकम फंक्शनल, लीवर के फंक्शन होने से पहले फूड कहाँ स्टोर होता है, वो होता है प्लेसेंटा में, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है वो है इवोल्यूशन, सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन. मिलर सिंथेसाइज अमीनो एसिड फ्रॉम, मिलर ने अमीनो एसिड का सिंथेसाइज किससे किया था, CH4NH3H2O2, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल्स मोस्ट इसेंशियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए मोस्ट इसेंशियल कौन है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोप्सिस क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ को क्या बोलते हैं, बायोप्सिस, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट डेट एग्जिस्ट अबेंडेंटली इन सन, सन में क्या होता है, H2 एग्जिस्ट करते हैं, H2 मिलकर क्या बन, H+H+ मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम, फिर क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है उसी से. और नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट नाउ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि फिलहाल जो एटमोसफेयर है वो कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग, और उस टाइम कैसा था, रिड्यूसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ अर्थ बिटवीन कोर एंड क्रस्ट, कोर और क्रस्ट के बीच में रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, पायरोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सन लाइक अदर स्टार्स इज फॉर्म फ्रॉम, सन किससे बना है, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हाउ लॉन्ग ईयर्स अर्थ वॉज फॉर्म, अर्थ फॉर्म हुई थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ओरिजिनेट हुई थी किस में, ओशियंस में, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन ऑफ ओजोनोस्फीयर इज फॉर्म फ्रॉम, ओजोन किससे बनती है, O2 से, O2+O2 मिलकर क्या बनाते हैं, O3+O, उससे क्या बनती है, ओजोन लेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट इज इंडिकेटेड बाय, लाइफ अगर हमें पता करने की इस प्लैनेट पे लाइफ है तो हम क्या सर्च करेंगे, वाटर, अगर किसी पे वाटर मिल जाता है तो मतलब यहाँ लाइफ है, क्योंकि अर्थ में भी लाइफ का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ था, वो वाटर से हुआ था. अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अर्थ कब ओरिजिनेट हुई थी, 4500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर विदाउट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ईओबाइंट, ये फर्स्ट सेल थी जिसके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम कंटेंस, सोलर सिस्टम क्या कंटेन करता है, 9 प्लैनेट, फिलहाल 8 प्लैनेट है, प्लूटो को हटा दिया गया शायद, ये पहले के जो इसमें 9 दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है जुपिटर, जुपिटर क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ रेड प्लैनेट, मार्स क्या है, रेड प्लैनेट, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सोलर सिस्टम अर्थ लाइज बिटवीन, अर्थ लाई करती है किसके बीच में, वीनस और मार्स के बीच में, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट, इसमें से इसेंशियल एलिमेंट कौन सा है किसके लिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए, न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे कौन सी थ्योरी है, केमिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री लाइफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ, पहले एटमॉस्फेयर में क्या था, NH3 थी, N2 थी, H2 थी, CO2, CH4, H2O, ये सारे थे, ऑप्शन नंबर ए. पहले इस ये क्यों नहीं हो सकता कि पहले एटमॉस्फेयर में SO2 नहीं थी, O2 भी नहीं थी, इसकी वजह से ये नहीं हो सकता, बाकी ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन वेयर ओनली हार्ड पार्ट, मतलब जैसे बोनी टीथ आर प्रिजर्व, हार्ड पार्ट प्रिजर्व होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेट्रिफिकेशन मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकैप्टिलेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स डेट,
ये थोड़ी क्या एक्सप्लेन करती है कि लाइफ हिस्ट्री एक एनिमल की वो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करती है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री क्या रिफ्लेक्ट करती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बेसिक पर्पज ऑफ स्टडिंग फॉसिल्स, फॉसिल्स को पढ़ने का बेसिक पर्पज़ क्या होता है, ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट वेस्टिजियल, वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, नेल्स, विजडम टूथ, ऑरिकुलर मसल्स, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, ये सारे क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक इन डार्विन फिंसेस ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर स्पेशिएशन बाय नेचुरल सेलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडेप्टिव सिमिलरिटीज इन डिफरेंट एनिमल्स लिविंग इन सेम हैबिटेट इज ड्यू टू, डिफरेंट एनिमल्स है वो सेम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसकी वजह से उनकी जो अडेप्टेशन है वो सिमिलर होगी, इस चीज़ को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट विल बी फॉसिलाइज मोर इजिली, बोन्स, जो बोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं तो ये इजिली फॉसिलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, कोकाइक्स ऑफ मैन इज वेस्टिजियल, एटलस इज एटेविस्टिक ऑर्गन, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई आर होमोलोगस, ये विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई एनालोगस हैं और हैंड्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स के ये होमोलोगस है, तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है कि कोकाइस होती है वो मैन की वो वेस्टिजियल होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट लाइकली टू डिसअपियर फ्रॉम फ्यूचर जनरेशन ऑफ मैन, मैन की फ्यूचर जनरेशन में इनमें से क्या डिसअपियर नहीं होगा, ईयर ओसिकल्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है वुमेंस के लिए तो ये डिसअपियर नहीं होगी, बाकी ईयर मसल्स, विजडम टीथ, बॉडी हेयर ये डिसअपियर हो रहे हैं और आगे मतलब कंप्लीट डिसअपियर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट एविडेंस क्या है, ऑक्यूरेंस ऑफ होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, इंपॉर्टेंट एविडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स क्या है, रेमिनेंट्स है, रेमिनेंट्स क्या हुए तो मतलब बचे हुए, रेमिनेंट्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन द रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलापागोस आइसलैंड इज लोकेटेड इन, अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है गैलापागोस आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट्स पाव एंड हुमन हैंड्स आर, कैट पाव और हुमन हैंड क्या है, होमोलोगस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बर्ड्स बीक हैड टीथ, वो कौन सा बर्ड है जिसकी बीक में टीथ होते हैं, वो है आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोजोवा इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल के बीच में कनेक्टिव लिंक कौन सा है, यूग्लिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन आर, होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, उनका ओरिजिन सिमिलर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ टेम्पोरल गिल पाउचेस इन डैट ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स इंडिकेट डैट, जो बर्ड और मैमल के एम्ब्रियो होते हैं उनके अंदर टेम्पोररी गिल पाउच होते हैं, ये क्या शो करते हैं कि ये एनिमल है जिनके अंदर गिल पाउचेज उनके एंसेस्टर क्या है, कॉमन थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन, इन सब में से होमोलोगस ऑर्गन कौन सा, वो है हिंड लेग ऑफ डक एंड कंगारू, मतलब इनका ओरिजिन सेम है बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं इनलेग्स का, डक और कंगारू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन पॉपुलेशन फ्रॉम बिस्टोन बैटुलेरिया टू बिस्टोन कार्बोनारा इज ड्यू टू विच कॉजेटिव एजेंट, किसकी वजह से वो, बर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्टेटमेंट डेट पॉपुलेशन टेंड्स टू मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन फूड सप्लाई, फूड सप्लाई जिस हिसाब से बढ़ती है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, स्टेटमेंट किसने दी थी, माल्थस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ब्रीड्स ऑफ कैटल्स हैव इवॉल्व थ्रू, ब्रीड्स एंड कैटल्स क्यों किसके थ्रू इवॉल्व हुई है, आर्टिफिशियल सेलेक्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ डार्विनिज्म वॉज हिज फेलियर टू गिव सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर, डार्विनिज्म की जो ड्रॉबैक थी वो क्या थी, उसने वेरिएशन के बारे में सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी थी वो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्सेप्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय लैमार्क, लैमार्क ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, यूज एंड मिसयूज ऑफ ऑर्गन्स आर इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, म्यूटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्टिंक्ट वेरिएशन, वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ पोस्टुलेट्स गिवन बाय डार्विन विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, पहले क्या होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, फिर उसके बाद वेरिएशन आएंगी, फिर उसके बाद सर्वाइवल होगा, फिर टेस्ट का एक, फिर उससे क्या बन जाएगी, एक न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन ब्रीडिंग सीजन इज कॉल्ड,
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन किसके बेसिस के ऊपर ब्रीडिंग सीजन पे, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोरल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोलॉजिकल सॉल्यूशन इज वैन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन कब होता है, जब वैन पोटेंशियल मेट्स मीट बट डू नॉट मीट, मतलब पोटेंशियल मेट्स कौन होते हैं, मतलब जो मेटिंग कर सकते हैं बट वो मिलते हैं बट मेट नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं, इथोलॉजिकल आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजमेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ कटिंग द टेल ऑफ न्यू बोर्न माइस फॉर 22 जनरेशन वॉज बेसिकली मीन फॉर, विजमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उसने क्या किया, 22 जनरेशन तक जो टेल थी माउस की वो काटती बट हर नेक्स्ट जनरेशन में फिर भी माइस की टेल है वो वापस आ रही थी, तो वो क्या प्रूव करना चाहता था, मतलब वो जो लैमार्क की थ्योरी दी थी कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, उसको डिसप्रूव करना चाहता था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एविडेंस वॉज नॉट प्रपोज बाई लैमार्क टू सपोर्ट हिज थ्योरी, इनमें से कौन सा एविडेंस नहीं दिया था, वो नहीं दिया था डी, मेलेनिज्म, पीपल मोथ इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री, ये लैमार्क ने एविडेंस नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर डी। अब ये देख लेते हैं उसने एविडेंस दिए कौन कौन से थे, रिड्यूस्ड विंग इन फ्लाइटलेस बर्ड, प्रेजेंस ऑफ वेब टॉयज इन एक्वेटिक बर्ड्स, रिट्रैक्टाइल क्लोज इन कार्निवर्स एनिमल, ये तीनों उसने एग्जाम्पल एविडेंस दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन इज, म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज इनहेरिटेबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी सक्सेसफुल इवेंट म्यूटेशन मस्ट ऑफ करन, म्यूटेशन किस में होनी चाहिए, जर्म सेल्स के अंदर होनी चाहिए, जर्म सेल्स के अंदर होगी तो उससे क्या होगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म वाज प्रपोज्ड बाय, कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म किसने दी थी, ऑगस्ट विजमैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन इज, इनमें से नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशन कौन सी है, वेरिएशन इन सोमेटिक सेल्स, सोमेटिक सेल्स में वेरिएशन है तो वो आगे इनहेरिट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट मैचिंग, इनमें से इनकरेक्ट मैचिंग कौन सा है, ये ओरिएंटल रियल्म के अंदर ये नहीं होता, न्यू सेरेटोडस नहीं मिलता, यूथोपियन रियल्म में क्या मिलता है, प्रोटोप्टेरिस, न्यू ट्रॉपिकल रियल्म में क्या मिलता है, लेपिडोसायरन, ऑस्ट्रेलियन रियल्म में क्या मिलता है, स्पिनोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोला बियर एंड तस्मान वोल्फ आर द एनिमल्स फाउंड इन, कोला बियर तस्मान वोल्फ किस में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन रियल में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए लंगफिश ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लंगफिश कौन सी, इनमें से वो है प्रोटोप्टेरिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी जियोग्राफिकल रीजन अर्थ हैव बीन डिवाइडेड बाय एयर वेल्स, डी, ऑप्शन नंबर सी, 6 जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड कर रखा है अर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड बायोजियोग्राफिकल रियल्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्ड्स, किसने दिया था, पीएल स्क्लेटर, बर्ड्स के लिए किसने दिया था, पीएल स्क्लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायोजियोग्राफिकल रीजन्स आर, बायोजियोग्राफिकल रीजन जो 6 में डिवाइडेड है वो कौन कौन से हुए, ऑस्ट्रेलिया, ओरिएंटल, इथोपिया, नियार्कटिक, न्यूट्रॉपिकल और पैलियार्कटिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू रियल्स शो सिमिलरिटी इन देयर फोना, फोना होता है उनका, उसमें सिमिलरिटी किस में, पहली आर्कटिक और नी आर्कटिक में, नी आर्कटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल का क्या कहते हैं उसको, जियोग्राफी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इज, डिस्ट्रीब्यूशन किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अर्थ का, अर्थ के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रियल पॉइजनस स्नैक्स आर फाउंड, पॉइजनस स्नैक्स कौन से रियल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ इथोपियन रियल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग एप्स गिबन्स आर जनरली फाउंड इन, एप्स के अंदर गिबन्स होते हैं वो किसके अंदर फाउंड होते हैं, इंडिया के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड इज प्रेजेंट इन न्यूट्रॉपिकल रियल, न्यूट्रॉपिकल रियल में से कौन सा बर्ड प्रेजेंट है, वो है रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेस हैड डिवाइडेड अर्थ इनटू 6 रियल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर, किसके बेसिस के ऊपर, फोना के बेसिस पे, किसने किया था डिवीजन अर्थ का, अर्थ के रियल्स का, वो किया था ये वैलेस ने किया था, ऑप्शन क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच रियल इंडिया इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट, इंडिया कौन से रियल में आता है, वो आता है ओरिएंटल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रियल इज इन द होम ऑफ मोनोटर्म्स, मोनोटर्म्स का होम किसको कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन रियल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ कसावरी एंड आयर बर्ड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये किस में मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन रियल्स में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज बिलीव डेट देयर वॉज अ सिंगल लैंड मास अबाउट 375 मिलियन अगो, दिस लैंड वॉज नेम पेंजिया,
अपने जो अर्थ है जिसके इनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने हुए, ये सारे पहले एक ही पार्ट था, उसको क्या कहते हैं, पेंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू रियल कंबाइन टू फॉर्म होलो आर्कटिक। पहले ये आर्कटिक और न्यू आर्कटिक है, उसको मिला के क्या बनते हैं, होलो आर्कटिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ रियल एक्सप्लेन द ग्रेटर डिफरेंस इन देयर फौना इन विच रियल द लॉन्गेस्ट सेपरेशन इज सीन। लॉन्गेस्ट सेपरेशन किस में मिलता है, ऑस्ट्रेलियन रियल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टिंक्ट एनिमल ऑफ न्यूट्रॉपिक रियलम आर, न्यूट्रॉपिक रियलम के डिस्टिंक्ट एनिमल कौन से, रिया, न्यू वर्ल्ड मॉन्कीज एंड टैपिर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलर फोना इज फाउंड इन न्यूजीलैंड बिकॉज, इंसुलर फोना, इंसुलर का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड फोना, आइसोलेटेड फोना फाउंड इन न्यूजीलैंड बिकॉज, न्यूजीलैंड में क्यों मिलता है, क्योंकि ये क्या सेपरेट हो गया था मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से मिलियंस ऑफ ईयर अगो पहले, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया डू यू फाउंड इंसुलर फोना, इंसुलर फोना इंडिया में कहाँ मिलता है, अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलर एनिमल, इंसुलर एनिमल कौन सा, कीवी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थ्योरी वॉज डेवलप्ड आफ्टर स्टडिंग इंसुलर फोना, इंसुलर फोना पढ़ने के बाद कौन सी थ्योरी गई थी, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल आर लाइकली टू कम अक्रॉस इन टेरिटरी ऑफ इंसुलर फोना, इंसुलर फोना की टेरिटरी में सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल मिल सकते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलर मीन्स, इंसुलर का क्या मीन्स होता है, आइसोलेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड राइज ऑफ डायनासोर ओकर, डायनासोर का राइज कौन से पीरियड में हुआ था, ट्राइसिक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, जियोलॉजिकल टाइम स्केल किसने डेवलप किया था, वो क्या था, अराद्वीना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जैक्ट सिक्वेंस ऑफ इपोजिस इज, इपोजिस की एग्जैक्ट सिक्वेंस क्या है, पैलियोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल शोइंग सिक्वेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ सिक्स जियोग्राफिकल रीजन्स आर, जो टेबल शो करती है उनकी सीक्वेंस के कौन से टाइम में मिले थे और जियोलॉजिकल भी है, उसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पीरियड ऑफ पैलेजोइक ईरा फर्स्ट वर्टिब्रेट अपीयर, फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन से ईरा में अपीयर हुए थे, वो हुए थे सिलूरियन पीरियड, और अगर ईरा पूछ ले तो कौन सा ईरा, पैलेजोइक ईरा और पीरियड सिलूरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईरा इज काउंटेड एज एज ऑफ मेंबर्स, इनमें से कौन सी ईरा काउंट होती है एज ऑफ मेंबर्स, वो होती है सीनोजोइक, ऑप्शन नंबर सी। इसमें मैमल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कर रहे थे, कौन से ईरा में, सीनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल डोमिनेटेड इन मेसोजोइक ईरा, मेसोजोइक ईरा में कौन डोमिनेट थे, रेप्टाइल्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैन डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, डॉग्स किसने डोमेस्टिकेट करे थे, क्रोमैग्नन मैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांस्ड फीचर्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर, ह्यूमन इवोल्यूशन के एडवांस फीचर क्या है, ऑर्थोग्नैथस फेस, बाइपेडल गेट, हाई क्रेनियल कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन इज, ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रेडल क्या है, साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जियोग्राफिकल रियल इज कॉन्सिडर्ड एज सेंटर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, सेंटर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन किसको माना जाता है, इथोपियन रियल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एविडेंस सजेस्ट दैट एप्स आर मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन देन मंकीज, डीएनए कंटेंट क्या शो करता है कि जो एप्स हैं वो ह्यूमन्स के ज़्यादा क्लोज रिलेटिव एज कम्पेयर टू मंकी, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन हायर एप्स के अंदर कितने क्रोमोजोम मिलते हैं, 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ एप्स, एप्स में सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव कौन है, गिबन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ ओल्ड वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी कौन सा है इसमें से, वो है मका, मका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैव स्पेशल थिक कलर पैड ऑन दर बटक्स टू सिट ऑन दीज आर, इसको क्या कहते हैं, इस्टियल कैलोसाइट्स, उसको बैठने के लिए काम आते थे किसमें, ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिलस इन होमो हैबिलस मीन्स, हैबिलस का क्या मतलब है, टूल मेकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज कनेक्टेड विद ह्यूमन इवोल्यूशन, इनमें से ह्यूमन इवोल्यूशन से कनेक्टेड कौन सा है, शॉर्टनिंग ऑफ जॉज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकॉन्सुलस आर एंसेस्टर ऑफ, प्रोकॉन्सुलस किसके एंसेस्टर हुए हैं, एप्स एंड मैन के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, हॉक्सले ने किसके ऊपर बुक लिखी थी, ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट फॉर एप्स, द वर्टिब्रल कॉलम हैज़ ए लंबर कर्व,
नेक्स्ट दे शो स्पर्ट ऑफ ग्रोथ एट प्यूबर्टी, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, एंड मीन्स वो मोर करेक्ट कौन है, जो प्रो कौंसिल होते हैं वो किसके नियर है, एप्स के एनाटोमिकली एप्स के ज़्यादा नियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंसेक्टिवोर्स नेम्ड एज, प्राइमेट्स किससे ओरिजिनेट हुए थे, वो थे ट्रिसरियोस से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिमिटिव प्राइमेट्स आर द एंसेस्टर ऑफ मंकी एप्स एंड मैन, इनमें से प्रिमिटिव प्राइमेट्स हैं इनमें से मंकी एप्स और मैन का जो एंसेस्टर है वो कौन सा है, टार्जियर, ऑप्शन नंबर सी। टेल इज लकिंग इन, इनमें से टेल किसके अंदर नहीं होती, एप्स के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंसेस्टर ऑफ मैन केम डाउन टू ग्राउंड एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन टोज, दो होमिनिड्स थे वो प्लांट से नीचे आए उन्होंने वॉकिंग स्टार्ट करी थी, किसने, होमिनिड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिमिटिव प्राइमेट गेव राइज टू, प्रिमिटिव प्राइवेट ने प्राइमेट होते हैं उन्होंने किसको बनाया, टार्जियोइड्स, जो आज के जैसे होते हैं टार्जियोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टेस्ट ऑफ रिलेटेडनेस ऑफ टू स्पीसीज इज सिमिलरिटी ऑफ देयर डीएनए एंड प्रोटीन, की सिमिलरिटी हो जाए तो मतलब वो स्पीसीज है उनमें सिमिलरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमियन गैप इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सीमियन गैप किसकी करेक्टरिस्टिक है, एप्स की। थैंक्स फॉर टुडे, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो टुमारो, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू यूनिट इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ एंड इथोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट इज, वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड एडिक्वेटेड और एरेटिव, ये सॉइल कौन सी होती है, लूमी सॉइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेंज ऑफ टॉलरेंस इज वाइड, अगर रेंज ऑफ टॉलरेंस वाइड है तो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनिज्म का वो ज़्यादा पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट एम ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इज, अल्टीमेट एम क्या होता है इकोलॉजिकल अडेप्टेशन का, सिक फॉर फूड स्पेस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज अबाउट, ओजोन है वो अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर पाई जाती है, 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज आर, यूवी रेज की वेवलेंथ कितनी है, 0.1 से 0.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम वेयर प्लैंकटन्स ग्रो इज अबेंडेंस इज, प्लैंकटन्स कौन से रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं, वो होते हैं लिमनेटिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द एटमोस्फेरिक लेयर लाइफ एग्जिस्ट करती है, किसमें, ट्रोपोस्फेयर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक दी ट्रू स्टेटमेंट कौन से, इनमें से टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, द सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास अबव ट्रोपोपोज इज स्ट्रेटोस्फीयर, देयर इज हाई मिक्सिंग ऑफ गैसेज बिटवीन ट्रोपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर, और लास्ट स्टेटमेंट क्या है, इन द थर्मोस्फीयर देयर इज स्टेडी डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, जो थर्मोस्फीयर है उसमें टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। और जो मिक्सिंग होती है गैसेस में ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर में, ये बात भी गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एटमॉस्फेरिक जोन लेयर ओजोन लेयर इज फाउंड, ओजोन लेयर कौन जोन में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर जोन में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर अबव थर्मोस्फीयर इज, थर्मोस्फीयर के ऊपर कौन सा रीजन होता है, एग्जोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, इकोलॉजी टर्म किसने दी थी, अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिजिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, फिजिकल इन्वायरमेंट क्या कंसिस्ट करता है, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एटमोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुअल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेजुअल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा लेवल है, इसमें इकोसिस्टम फिर लैंडस्केप फिर बायोम फिर बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज, इकोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या है, ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम है और इनहेबिट कर रहे क्या सेम एरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर, बर्ड्स एंड मैमल्स क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, फूड चेन एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसके बिना, प्रोड्यूसर के बिना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसने दिए थे, इल्टन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इज, ट्रांसफर एनर्जी क्या है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पॉन्ड इज, ए पॉन्ड क्या है, एक नेचुरल इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द फॉलोइंग फूड चेन द स्मॉल फिश इज, स्मॉल फिश क्या है, फ्रॉम द अपेक्स ऑफ फूड पिरामिड, फूड पिरामिड का सबसे ऊपर का पोर्शन कौन है, स्मॉल फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय हर्बीवोरस, हर्बीवोरस कितनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड, जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स के होते हैं उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ पिरामिड्स कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कौन सी इसमें से कैटेगरी इन्वर्टेड नहीं हो सकती, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोसिस्टम हैज मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन, मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन किस में मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, सन क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी है किसमें, इकोसिस्टम में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम, एक्वेटिक इकोसिस्टम फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फाइटोप्लैंकटन से, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैक बिलोंग्स टू, स्नैक बिलोंग करते हैं किससे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ सनलाइट ट्रैप बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कितनी सनलाइट ट्रैप करते हैं, 1-5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फूड चेन, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या होना था, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फूड चेन विच वन विल ट्रांसफर मैक्सिमम एनर्जी टू नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ग्रास हैं उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट साइंटिफिक टर्म इज यूज फॉर सर्कुलेशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोज एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस विच हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन, न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन में कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, वो करती है इमोबिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, फ्लोरा एंड फौना, ये एयर वाटर मिनरल्स, ये क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं, यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट इज बायोस्फीयर, ये बात सही है, एक्वेरियम इज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये बात भी सही है, नेक्टोन्स आर एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिजम्स, ये बात गलत है, ए फूड चेन में भी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक फूड चेन भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, तो कोई ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन दे रखा है, इसके अंदर सेकेंड भी इंक्लूड होगा क्योंकि एक्वेरियम क्या है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, देयर टॉक्सिक सीक्रेशन इज, पेनिसिलिन क्या सीक्रेट करते हैं, एलोकेमिक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोजोवा लिविंग इन द गट ऑफ टर्माइट इज द एग्जाम्पल, और प्रोटोजोवा किसका एग्जाम्पल है, वो म्यूचुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुचेरिया इज, बुचेरिया क्या है, एंडोपैरासाइट है मैन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अडेप्टेशन ऑफ ईकुलाई, ईकुलाई के अडेप्टेशन में रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, एस्पायर करता है एरोबिकली, गलत है, एनारोबिकली एस्पायर करता है, इट प्रोवाइड विटमिन टू फर्स्ट, ये सही है, इट रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, ये भी सही है, इट फीड्स ऑन अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ फर्स्ट, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोराइजर, सो माइक्रोराइजर क्या शो करते हैं, म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओथियर स्पीसीज समटाइम्स बिकम सीरियस पेस्ट, बिकॉज सीरियस पेस्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका नेचुरल कॉम्पिटिशन या उनका प्रीडेटर नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकन किसका एसोसिएशन, एल्गा और फंगी का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट रिलेशनशिप परसिस्ट बिटवीन बर्ड्स एंड कैटल्स, बर्ड्स एंड कैटल्स के बीच में क्या है, प्रोटोकॉर्पोरेशन, प्रोटोकॉर्पोरेशन क्या है, कि इसमें दोनों को फ़ायदा होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अगर उनको वो उनको अगर कोऑपरेशन ना करे तो भी उनका काम चल सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमिक्री इज ए टाइप ऑफ पैसिव इंटरेक्शन फॉर, किसके लिए होती है मिमिक्री, अवॉइडिंग प्रीडेशन, कैंसिलिंग फ्रॉम प्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सक्सेसफुल पैरासाइट इज वन विच, सक्सेसफुल पैरासाइट कौन सा है जिसकी डिमांड है वो मिनिमम होस्ट से, अगर वो अटैच रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या होगा, होस्ट की डेथ हो जाएगी और उससे पैरासाइट भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, रैपिड ग्रोथ शो करेगा तो भी क्या है उसको होस्ट की डेथ हो जाएगी, हाई बायोटिक पोटेंशियल, इन सब तीनों से क्या होगा, होस्ट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, उसको कहते हैं सैप्रोफाइट्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, वन इज बेनिफिट अदर इज रिमेन्स अनअफेक्टेड, कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक बेनिफिट होता है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता, बोथ आर अफेक्टेड एंड कैन लीव इंडिपेंडेंटली, प्रोटोकॉर्पोरेशन क्या होता है, दोनों का बेनिफिट होता है बट दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं।
वन इज बेनिफिट एंड अदर इज हार्म. पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का बेनिफिट होता है दूसरे का हार्म होता है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ इज फाउंड बाय एसोसिएशन ऑफ एल्गा, किसके साथ एसोसिएशन होता है, सिलेंट्रेट्स के साथ. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेइंग मेंटिस मेंटिस सो प्रोटेक्टिव रिजेंबलेंस टू ग्रीन फोलियज, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कैमोफ्लेज. कैमोफ्लेज में क्या होता है, वो आसपास के कलर के जैसा खुद को कलर होता है, इसकी वजह से वो बच जाता है प्रेडेटर से. नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल एनाफ्रीज विजिट्स द होस्ट फॉर सकिंग ब्लड एट इंटरवल्स, दिस टाइप ऑफ पैरासिटिज्म इज कॉल्ड इंटरमिटेंट पैरासिट. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ड्राइव्ड बाय किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म इज, फूड ड्राइव होता है दूसरे को मारकर, उसको कहते हैं प्रीडेशन. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासाइट लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट इज, बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, उसको कहते हैं एक्टोफाइट. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सी एनेमोन एंड हर्मिट क्रैब इज कमेंसलिज्म, एक का फायदा होता है दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज इन विच बोथ स्पीसीज आर बेनिफिट, दोनों बेनिफिट होता है उसको क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स हैविंग टू फुटेड मोड ऑफ प्रोग्रेशन कम्स अंडर, किसके अंदर आता है, बाइपेडल गेट. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोसोरियल एनिमल टेल इज, फोसोरियल एनिमल में टेल क्या होती है, वेरी स्मॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्सुपीलियल मोल्स आइज आर, मार्सुपीलियल मोल्स होते हैं उसमें आइज क्या होती है, वेस्टिजियल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ क्लाइंबिंग आर कैटेगराइज्ड एज, क्लाइंबिंग के लिए जो कैपेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कैंसोरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्री फ्रॉग्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, एडेसिव पैड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, स्टिकी सीक्रेशन होते हैं डिजिट, किसके लिए, चढ़ने के लिए, क्लीनिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीहेंसाइल फिट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, प्रीहेंसाइल फिट किसकी करेक्टरिस्टिक है, ट्री फ्रॉग. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलोच स्पाइनल लिजर्ड हैज स्पेशल वे ऑफ गेटिंग वाटर, ये क्या करते हैं, उनके जो स्किन होती है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किसके, सैंड में से, जैसे कि ब्लोटिंग पेपर करते हैं. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग एम्फीबियन इज, इनमें से फ्लाइंग एम्फीबियन कौन सा है, रैकोफोरस. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन ऑफ फ्लाइट इज इन एक्टोकिस एक्सोकिटस इज मॉडिफाइड इज फ्रॉम, ऑर्गन ऑफ फ्लाइट मॉडिफिकेशन होती है किसकी, पेक्टोरल फिन्स की, किसमें, एक्सोकिटस के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी ऑफ बर्ड इज मेड लाइट ड्यू टू, बर्ड की बॉडी लाइट होती है किसकी वजह से, न्यूमेटिक बोन्स की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है, कि जो बोन्स होती है उनके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लिम्स पावरफुल मसल्स रिड्यूस्ड अल्ना टीबिया फिब्रिला इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस करेक्टरिस्टिक्स है, कर्सोरियल अडेप्टेशन. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट एनिमल हैव पॉइजन, द मोस्ट डेडली वेपन ऑफ डिफेंस इज, किन के अंदर पॉइजन होता है, रेड एंट के अंदर, रैटल स्नैक, हेलोड्रोमा, इन सब के अंदर होता है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईली स्पाइनी डेजर्ट लिजर्ड इज, स्पाइनी डेजर्ट लिजर्ड कौन सी है, वो है मोलोच. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लाइंग ड्रैगन इज, फ्लाइंग ड्रैगन कौन सा है, ड्रेको. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली द डेजर्ट एनिमल्स आर नॉक्चुरनल बिकॉज, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो नॉक्चुरनल होते हैं क्यों, बिकॉज दे कंजर्व वाटर बाई अवॉइडिंग देयर टाइम. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स इन इंसेक्ट आर, विंग्स होती है इंसेक्ट की, वो क्या होती है, एक्सटेंशन होती है किसी क्यूटिकल की ऑफ द थोरेक्स. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन ऑफ फ्लाइट इन बैट्स, बैट्स में ऑर्गन ऑफ फ्लाइट कौन सा होता है, पार्टाजिया. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एनिमल्स नोस्ट्रिल्स आर डायरेक्टेड अपवर्ड एंड आर प्रोटेक्टेड बाई वॉल्स और आर रिड्यूस्ड टू पिन होल्स. ऑप्शन नंबर डी. कौन से एनिमल्स में, डेजर्ट एनिमल्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डेजर्ट आर कॉल्ड, डेजर्ट में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, जीरिक. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नाउट इज प्रेजेंट इन, स्नाउट किस में प्रेजेंट होता है, डिगिंग ऑर्गेनिजम्स में. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, केव ड्वेलिंग प्रोटियस एंग्विकस हैज, जो केव ड्वेलिंग प्रोटियस एंग्विकस है उसमें क्या होता है, उसकी स्किन कैसी होती है, कलरलेस स्किन. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द अर्थ टेम्परेचर वुड लाइक टू, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -20°C. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ डील करते हैं, एक तो लिमिटिंग यूज ऑफ ODS, ODS क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेटिंग सब्सटेंस, और यूज ऑफ अल्टरनेटिव ऑफ CFC, दोनों से डील करता है. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमोस्फेरिक कंसनट्रेशन ऑफ CO2 0.003%. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर कौन से इनमें से लाइकन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होल इज, ओजोन होल क्या है, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, ग्रीन मफलर किससे रिलेटेड है, नॉइज पॉल्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉटलिंग ऑफ टीथ इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच स्पेसिफिक एलिमेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, जो टीथ में येलो इस आ जाती है वो किसकी वजह से आ जाती है, फ्लोरिन की वजह से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, NO2 SO2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेट एरोप्लेन्स रिलीज पोल्यूटेंट्स इन द फॉर्म ऑफ, जेट एरोप्लेन किसके फॉर्म में रिलीज करते हैं, एरोसोल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस कॉजेज, लाउडनेस क्या कॉज करती है, इम्पेयरमेंट इन हियरिंग, मतलब हियरिंग प्रॉब्लम्स कॉज करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है, 5th June, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज लीड्स टू, इंडिस्क्रिमिनेट यूज है फर्टिलाइजर्स का वो किसको लीड करता है, वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिंक ऑफ ओजोन इज, ओजोन का नेचुरल सिंक क्या है, फ्रियोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसिड रेन H2SO4 अकाउंट्स फॉर, H2SO4 कितना परसेंट होता है एसिड रेन में, 70%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परमिसिबल नॉइस अंडर नॉइस पोल्यूशन रूल इज, मैक्सिमम वॉइस कितनी है, 75 decibel, ऑप्शन नंबर सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर का pH कितना होता है, 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पेरिफेरल न्यूराइटिस हाइपरकेरोटोसिस स्किन कैंसर ड्यू टू विच मेंटल डिसऑर्डर अपीयर्स, किस मेटल की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं, आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर पोल्यूटेंट इन मोस्ट पोल्यूटेड इंडिया सिटीज, इंडियन सिटीज में मेजर पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट, मोस्ट टॉक्सिक पोल्यूटेंट क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री कंट्रीब्यूटिंग मैक्सिमम इन ओजोन होल फॉर्मेशन, ओजोन होल फॉर्मेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है, USA, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 16 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ODS स्टैंड फॉर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कॉन्साइड्स विद कॉमोरेशन ऑफ, किसके साथ कॉन्साइड करते हैं, 1st UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच इंडेंजर्ड स्पीसीज, 1 horned rhinosaurs, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, नेशनल एनिमल कौन सा, टाइगर, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, यहाँ पे बुक में दे रखा है रेप्टाइल, बट गूगल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो है मैमल्स की, ऑलमोस्ट लगभग 675 है, और जो रेप्टाइल्स की हैं वो शायद 578 है, तो एक बार डाटा चेक कर लेना, बुक के अकॉर्डिंग सी है बट गूगल के अकॉर्डिंग मैमल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें से इंडेंजर्ड कौन सी, रेड पांडा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन देहरादून, WII कहाँ लोकेटेड है, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज, इन तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन कौन सी बुक देती है, रेड डाटा बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटिंक्ट स्पीसीज किसको कहते हैं, एक्सटिंक्ट मतलब जो टैक्सोन इज डाइड आउट फ्रॉम अर्थ, जो अर्थ से खत्म हो चुका है, उसको क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। इंडेंजर्ड डिप्लेटेड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी होती है, 3 10 स्पीसीज हैविंग लोअर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, 4th। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं वो होती है टैक्सोन फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेशनल पार्क्स प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू फ्लोरा एंड फौना, दोनों को प्रोटेक्शन मिलती है नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग रेड डाटा बुक इट्स हेडक्वार्टर इज, हेडक्वार्टर कहाँ है रेड डाटा बुक का, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल नाउ हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड, बुक के अकॉर्डिंग 14 है बट अकॉर्डिंग टू गूगल रिसेंट अभी जो प्रेजेंट में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज सिंबलाइज्ड बाय,
वाइल्ड लाइफ फंड किसके सिंबलाइज होता है? जाइंट पांडा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। क्यूलारडीओ नेशनल पार्क कहाँ है? यह है भरतपुर, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये गिर नेशनल पार्क गुजरात, और ये दाचिगम नेशनल पार्क है ये कहाँ है? यह है कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट लाइट सेंसिटिव प्रोटीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ड्रोसोफिला मेलेंगोस्टर, कौन सा प्रोटीन होता है लाइट सेंसिटिव? TIM प्रोटीन, किस में? ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैन सर्कैडियन रिदम्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होते हैं? सुप्रा चियासमेटिक न्यूक्लियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कैडियन रिदम्स आर, सर्कैडियन रिदम्स क्या होती है? सेंसिटिव नहीं होती, टेम्परेचर का उससे कोई लेना देना नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक इज कॉल्ड, क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल क्लॉक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल रिदम इज, बायोलॉजिकल रिदम क्या है? फंक्शनली रिपीटेड थ्रू टाइम इन सम इन सेम ऑर्डर विद सेम इंटरवल, एक सेम ऑर्डर में सेम इंटरवल के बाद रिपीट होने वाला फंक्शन का क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल रिदम, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक लीड्स टू, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या लीड करती है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू चेंज योर डेली स्लीपिंग शेड्यूल द पीक ऑफ विच हार्मोन चेंज अकॉर्डिंगली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्कैडियन साइकिल, अगर आप डेली स्लीपिंग शेड्यूल चेंज करते हैं तो कौन सा हार्मोन चेंज होता है? वो होता है कोर्टिसोल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सर्कैडियन म्यूटेंट्स वर डिस्कवर्ड इन, किस में म्यूटेंट्स किस में डिस्कवर हुए थे? वो थे ड्रोसोफिला मेलेंगोस्टर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रोसोफिला मेलेंगोस्टर सर्कैडियन मूवमेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में होती है? परजीन, परएंटेमजीन, डी क्लॉक एंड डी बी स्मॉल जीन्स, सबके कंट्रोल में होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट इकोनॉमिक जूलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट मैच, इसमें से इनकरेक्ट मैच बताना है। इनकरेक्ट मैच है बी, ट्रायोफोर्जिया राइस रूट ट्यूबर में नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द अटैक ऑफ विच बीटल, कौन से बीटल के अटैक की वजह से राइस लीव्स टर्न वाइटिस मेम्ब्रेनस एंड डेवलप ब्लिस्टर्स, किसकी वजह से होते हैं? होते हैं राइस हिस्पा की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी अटैक ऑफ विच राइस पेस्ट इज मोर कॉमन इन वाटर लॉग एरियाज में, कौन सा राइस पेस्ट कॉमन है? वो है पेकाइडियल प्लोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द सीरियस पेस्ट इन पम्पकिन, पम्पकिन में सबसे सीरियस पेस्ट कौन सा है? रेफिडोपाल्पा फोविकोलिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वेजिटेबल पेस्ट डेट निबल्स द लीव्स इन सेमी सर्कुलर पैटर्न, फोल्ड हो जाते हैं सेमी सर्कुलर पैटर्न लीव्स, वो होते हैं एपिलाशना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला इज मोस्ट अटैक्ड बाय, केरला कौन से किससे अटैक होता है सबसे ज़्यादा? मेलन फ्रूट फ्लाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्वा ऑफ विच पेस्ट फीड्स ऑन कोकोनट, कोकोनट पे कौन सा लार्वा फीड करते हैं? वो करते हैं राइनोकोफोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉल्ड, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, किससे स्प्रेड होती है स्लीपिंग सिकनेस? वो होती है ग्लोसिना पाल्पलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट ऑर्डर डज नॉट कंटेन प्लांट पेस्ट, इनमें से कौन से इंसेक्ट ऑर्डर में प्लांट पेस्ट नहीं होते? वो ऑर्डर है डिक्टियोप्टेरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंसेक्ट पेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में कौन से एग्जिस्ट नहीं करता? लेपिस्मा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइटिंग मिस्ट दैट ब्रीड्स इन वाटर, वाटर में कौन सा ब्रीड करते हैं इनमें से? कुलिक्वाइड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंक बोलवर्म इज, पिंक बोलवर्म क्या है? वो है पैक्टिनोफोरा, ऑप्शन नंबर ए, पैक्टिनोफोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन लीफ रोलर इज, कॉटन लीफ रोलर कौन सा है? साइलिप्टा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्मिंग कैटरपिलर अटैक्स, स्वार्मिंग कैटरपिलर किसके ऊपर अटैक करते हैं? पैडी के ऊपर, मतलब राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, सुसरी, सुसरी किसको कहते हैं? राइजोप्थेरा, बीट वेविल, ट्रोगोडर्मा, ग्राम दोरा, कैल्सोब्रंकस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्ट पेयरिंग, इनकरेक्ट पेयरिंग फाइंड करनी है। टाइफाइड को कौन स्प्रेड करते हैं? कॉकरोच, फिलेरिसिस को कुलेक्स मॉस्किटो, बट मलेरिया उसको कौन स्प्रेड करते हैं? एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, फीमेल एनाफ्लीज वो स्प्रेड करती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट मैच। और टाइफस फीवर कौन करता है? पेडिकुलस, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैड बग काइमेक्स हेमिप्टेरस डज नॉट एक्ट एज ए कैरियर ऑफ, किसके कैरियर की तरह काम नहीं करते, डम डम फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटेड बग फीड्स ऑन, पेंटेड बग किसके ऊपर फीड करते हैं, क्रूसीफेरस प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, आइडियोसीरस किसके ऊपर अटैक करते हैं, मैंगो, कॉस्मोपोलाइट बनाना, पेपिलियो सिट्रस और ओलोकोफोरा मेलन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ऑफ बुबोनिक प्लेग इज कैरिड बाय, बुबोनिक प्लेग का वेक्टर कौन कैरी करते हैं, वो करते हैं जीनोप्सलिया, ऑप्शन नंबर डी। द मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ लाइव स्टॉक इज, लाइव स्टॉक का मोस्ट सीरियस पेस्ट वो है टैबेनस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिश कल्चर ए न्यूली हैच्ड यंग वन विद योक्स है किस कॉल्ड, क्या कहते हैं, हैचलिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ फिश सीड इन इंडिया, फिश सीड का मेजर ट्रेडिंग सेंटर कौन सा है, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉन फिश ऑर्गेनिजम्स आर रेज्ड इन इंडिया बाय एक्वाकल्चर, कौन कौन, फ्रॉग्स, प्रॉन्स, श्रिम्प्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स, सीवीड्स, क्लाम्स, मुसल्स, क्रस्टेशियस, ये सारे रेज होते हैं, ये सारे क्या है, नॉन फिश ऑर्गेनिजम्स हैं, इंडिया में रेज किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द इंडिजीनियस फिश, इंडिजीनियस फिश कौन से हैं, किरीना मिर्गाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग फिश विद देयर नेम्स, टीनो फेरिकडोन किसका नाम है, ग्रास कार्प का, टिनका किसका नाम है, द टेंच, कैरिसियस किसका नाम है, ये द क्रूशियन कार्प, और साइप्रिनस द कॉमन कार्प, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फ्रेश वाटर एडिबल फिश, फ्रेश वाटर एडिबल फिश कौन सी है, माइस्टस सिंघाला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश लीवर ऑयल इज रिच इन, फिश लीवर ऑयल किस में रिच होता है, विटामिन ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेजेस फीचर ऑफ कल्टिवेटिंग एक्जोटिक फिश, एक्जोटिक फिश को कल्टिवेट करने का क्या फायदा रहता है, फास्ट ग्रोथ रेट, टोल रेट, क्लाइमेट कंडीशन फॉर आवर कंट्री, सुपीरियर क्वालिटी, एमिकेबल टू लिव विद अदर फिश, ये सारे एडवांटेज और तो इसमें ऑल ऑफ द अबोव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग कार, फास्टेस्ट ग्रोइंग कौन सी है, कटला कटला। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबिया रोहिता इज, लेबिया रोहिता क्या है, कोलम फीडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरिंग फिश सीड, फिश सीड को मेजर करने की यूनिट क्या है, बाटी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राई इज, फ्राई क्या है, यंग वंस विद योक एब्जॉर्ब 3 to 14 डेज ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवा प्रिम इज ए, ओवा प्रिम क्या है, ओवा प्रिम फिश हॉर्मोन है जो स्पॉनिंग इंड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिश ग्लू इज ऑब्टेंड फ्रॉम, सुपीरियर क्वालिटी का फिश ग्लू किससे मिलता है, गुडस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक बिल्ड नेस्ट, इनमें से कौन सा स्नैक नेस्ट बिल्ड करता है, किंग कोबरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैक्स पॉइजन ग्लैंड आर मॉडिफाइड, मॉडिफाई क्या होता है, सेलेवरी ग्लैंड मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं, पॉइजन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइट ऑफ किंग कोबरा अफेक्ट्स द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिस्टम इज अफेक्टेड बाय वेनम ऑफ वाइपर, वाइपर किसको अफेक्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, किसका वाइपर किसका अफेक्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगारूस कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम अदर स्नैक्स बाय, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसको, लार्ज हेक्सागोनल वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें, सिंगल रोफ्स ऑफ कॉडल्स, लार्जेस्ट फोर्थ इंफ्रा लेबियल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नैक विद वेस्टिजियल आई एंड नो टीथ ऑन लोअर जो, स्नैक जिसके अंदर वेस्टिजियल आई होती हैं और टीथ नहीं होते लोअर जो में, वो कौन सा है, टाइफोलोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीथ कंडक्टिंग पॉइजन इन द स्नैक्स आर, जो पॉइजन कंडक्ट करते हैं, पॉइजन कंडक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फैंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव लिटरली कंप्रेस्ड टेल, लिटरली कंप्रेस्ड टेल किसमें, एनहाइड्रिमा हाइड्रोपिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नॉन पॉइजनस स्नैक बाइट्स दे लीव बिहाइंड शेप मार्क, कौन से शेप का मार्क छोड़ते हैं, यू शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल स्नैक्स आर, कोरल स्नैक्स क्या होते हैं, ओविपैरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नॉन कोरल स्नैक, इसमें ये बेंगारूस कैरुलियस है, ये क्या है, नॉन पॉइजन नॉन कोरल स्नैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबरा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, कोबरा को कैसे पहचान सकते हैं, हुड एंड थर्ड सुप्रालेबियल सिल्ड से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेश वाटर स्नैक्स आर ऑलवेज, फ्रेश वाटर स्नैक्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ द मोस्ट पॉइजनस स्नैक अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे पॉइजनस कौन सा है? कोबरा। ये 20 आदमियों को मारने जितना जहर एक बार में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट इंडियन नॉन पॉइजनस स्नैक इज, लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नैक कौन सा है? पाइथन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्नैक हैज़ रिड्यूस्ड हिंड लेग्स रिड्यूस किस में होते हैं? पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस पॉइजनस स्नैक इन्फ्लिक्ट ओनली सुपरफिशियल वाउंड, सुपरफिशियल वाउंड किस में होते हैं? क्रैक स्नैक जब काटते हैं तो वो क्या छोड़ते हैं? सिर्फ सुपरफिशियल वाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्केल्ड पॉइजनस स्नैक इज, सो स्केल्ड पॉइजनस स्नैक कौन सा है? एक्किस कारिनेथस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोरियल पिट इज सेंसिटिव फॉर, लोरियल पिट किसके लिए सेंसिटिव है? हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन ओवर क्राउडिंग ऑफ हनीबीज ओकर, ओवर क्राउडिंग हो जाती है हनीबीज की, तो क्वीन अलोंग विद फ्यू वर्कर्स लीव टू स्टार्ट देयर लाइफ न्यू, उसको क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को स्वार्मिंग, जिसमें हनीबी है वो अपने कुछ वर्कर बीज को लेकर नया हाइव बनाने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड्रेड लेगर आर्थ्रोपोडिस, हैंड्रेड लेगर क्या बोलते हैं? सेंटीपीड, सेंटी का मतलब क्या होता है? हैंड्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द बोरिंग सेंटीपीड, बोरिंग सेंटीपीड कौन सा है? स्ट्रिगेमिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कास्ट मेक द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हनीबी कॉलोनी, वर्कर्स होते हैं उनमें की जो नंबर होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं हनीबी कॉलोनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंग इज मॉडिफाइड ओविपोजिटर इन, हनीबी में क्या होता है? स्टिंग होता है, वो मॉडिफाइड ओविपोजिटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिंग ग्लैंड ओकर्स इन, स्टिंग ग्लैंड किस में होती है? स्कोलोपेंड्रा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटीपीड बिलोंग्स टू द क्लास, सेंटीपीड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? चिलोपोडा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हनीबीज बार्बलास स्टिंग इज प्रेजेंट इन, बार्बलास स्टिंग किस में प्रेजेंट होती है? क्वींस में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनीबी इंक्लूड, तीन कास्ट इंक्लूड होती है, ड्रोन, क्वीन और वर्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली सोशल इंसेक्ट, एंट्स, टर्माइट्स, हनीबी, एक तीनों क्या है? सोशल इंसेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, एपिस सेरेनाटा, ये एपिस सेरेना ये कौन सी इंडियन हाइव बी है? एपिस इंडिका, एपिस इंडिका क्या है? ओरिएंटल बी। एपिस डोरसेटा ये क्या है? रॉक बी। और एपिस मेलिफेरा ये क्या है? यूरोपियन बी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन इंडियन वास्प इज, मोस्ट कॉमन इंडियन वास्प कौन सा है? वेस्पा ओरिएंटलिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपिकल्चर, एपिकल्चर उसको भी कहते हैं हनी बी की रेयरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोलोपेंड्रा पॉइजन इज यूज टू केयर, स्कोलोपेंड्रा का जो पॉइजन है वो किसके केयर में यूज होता है? ह्यूमेनोटाइजम, स्किन डिजीज, किडनी स्टोन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन्स ऑफ हनी बी आर प्रोड्यूस्ड बाय, किस प्रोड्यूस होते हैं? पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है? इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो ओवा होता है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ड्रोन में, हनी बी के ड्रोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल वॉन फ्रिस वॉज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर, नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? कार्ल वॉन फ्रिस को मिला था, डांस ऑफ हनीबी फॉर कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेंटीपीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफाइड टू फॉर्म पॉइजन एपरेटस, पॉइजन एपरेटस किससे बनती है? मैक्सिलिपिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हनीबी विच पार्ट सीक्रेट वैक्स, कौन सा पार्ट सीक्रेट करते हैं? वैक्स ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ थायमिन विद एडेनिन, थायमिन के एडेनिन से एक्सचेंज होने क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन सेंस म्यूटेशन आर, नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होती है? जिसमें सेंस कोडन को नॉन सेंस कोडन से रिप्लेस कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी, रिप्लेसिंग कोडोन्स विद नॉन सेंस कोडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू मैच, इसमें ट्रू मैच कौन सा है? सुपर मेल, सुपर मेल क्या होता है? एक्स वाई वाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन, ह्यूमन में मेंटल एबनॉर्मलिटी के लिए कौन हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, एक्स ओ एंड ट्रिपल एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी, मोनोसोमी क्या होती है? 2n-1 कर दिया क्रोमोसोम में से तो क्या हो जाएगा? मोनोसोमी, ट्राइसोमी +1 कर दिया तो क्या हो जाएगी? ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन ह्यूमन फीमेल सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम सफरिंग होगी तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा? एक्स ओ, तो कितनी बार बॉडीज हो गई? एक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट लाइकली रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स, जो उनके अंदर डेवलपमेंट होती है रेजिस्टेंस, कैसे डेवलपमेंट हो जाती है इंसेक्ट के अंदर, वो किस तरह से? म्यूटेशन, रैंडम म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीडलेस ऑरेंजेस आर ऑब्टेंड बाय, सीडलेस ऑरेंजेस किससे? पॉलीप्लॉइडी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द इनबोर्न
मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इन बोन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा नहीं है, टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लॉइड मीन्स, ट्रिप्लॉइड का क्या मतलब होता है, तीन सेट है हैप्लॉइड क्रोमोसोम के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिंड्रोम चाइल्ड म्यूज लाइक ए कैट, कौन से सिंड्रोम में, क्राइड्यूसेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायनेकोमेस्टिया इज ए सिंड्रोम, गायनेकोमेस्टिया किसका सिंड्रोम है, मेरे अकॉर्डिंग और गूगल के, मैंने गूगल पे सर्च किया, उसके अकॉर्डिंग के लाइन फाल्टर सिंड्रोम होना चाहिए, बट बुक में लिख रखा है टर्नर सिंड्रोम, तो अब जो सही माना वो देख लेना, बट अकॉर्डिंग टू मी के लाइन फिल्टर सिंड्रोम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसोमिक ट्राइसोमी इज, मोनोसोमिक ट्राइसोमी कौन सा है, टू एन माइनस वन, ये होगी मोनोसोमी, फिर प्लस वन कर दिया तो क्या हो गया, ट्राइसोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल केटोन्यूरिया इज जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफेक्ट ऑफ इन मेटाबॉलिज्म ऑफ, किसके मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगो ड्यूवेरीज वर्क ऑन कौन से प्लांट पे वर्क किया था, वो किया था ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार आई इन ड्रोसोफिला इज ड्यू टू, बार आई होती है ड्रोसोफिला, वो किसकी वजह से होती है, होती है डुप्लीकेशन ऑफ सर्टेन जीन्स, कुछ जीन का डुप्लीकेशन हो जाता है उसकी वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, इसमें से सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है, मस्कुलर डाइस्ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन केलाइन फिल्टर सिंड्रोम, कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल में क्या होता है, दो एक्स एक्स दो एक्स एक्स होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू फॉर पॉलीप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी के लिए ट्रू क्या नहीं है, पॉलीप्लॉइडी विदाउट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर स्टेराइल, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलीप्लॉइडी प्रोपगेट वेजिटेटिवली नहीं, शो गीगेज इफेक्ट नहीं, ये पॉलीप्लॉइडी इज चेंज इन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ऐसा कुछ नहीं है, पॉलीप्लॉइडी जरूरी नहीं सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज हो, कितने भी सेट में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ प्योरिन विद अनदर टाइप इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन क्या होता है, एक टाइप के प्योरिन को दूसरे टाइप के प्योरिन से ही चेंज कर देने को बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए सैंपल यूज फॉर फिंगर प्रिंटिंग इज बेसिकली टेकन फ्रॉम, किसी भी बॉडी पार्ट से ले सकते हैं फिंगर प्रिंटिंग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, क्रिमिनल, पेरेंटल रिलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस प्रोबेबली कट द रीजन विद, किससे कट करता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए से, पैलिंड्रोमिक एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसको जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोग्लाइफिक्स टेक्निक वॉज यूज फर्स्ट इन, किस कहाँ यूज हुई थी, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज रिलेटेड टू, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो किससे रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विद प्रोब इज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए प्रोब के साथ होता है वो कौन से मेथड में होता है, साउदर्न ब्लॉटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउदर्न ब्लॉटिंग वॉज इन्वेंटेड बाई, किसने इन्वेंट कर दी, ई एम साउदर्न, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रोब इज यूज फॉर, डीएनए प्रोब किसके लिए यूज होते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंटिंग इज कॉल्ड, फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोग्लाइफिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द टाइप ऑफ सीक्वेंस मैच्ड आर, कौन सी टाइप के सीक्वेंस को मैच करते हैं, मिनी सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स यूज फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, कौन सा मेथड यूज होता है, पीसीआर चेन रिएक्शन, मतलब एक से मान लीजिए एक सीक्वेंस है उससे एक से ज़्यादा बनाने हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, नंबर इंक्रीज करना है डीएनए का, तो कौन सी प्रोसेस, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ डीएनए डिसिमिलर इन ह्यूमन, कितना डिसिमिलर है, 0.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज टू डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटीन के लिए डिटेक्ट करने के लिए, कौन सी प्रोसेस, सी ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोसेस यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज अ टेक्निक यूज टू ब्लॉट, क्या ब्लॉट करने के लिए, सिंगल स्टैंडर्ड सॉरी आरएनए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए प्रोब यूज्ड इन डीएनए प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग आर, कौन सा डीएनए प्रोब यूज होता है, वो होता है रेडियो एक्टिव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर टुडे, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो गए। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।